हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये हायर कंपनी की फुली वॉशिंग मशीन का वीडियो रिव्यू करूँगी। इसका रिव्यू का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, बट बहुत सारी कमेंट आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि मैम इस मशीन के बारे में आप फिर से बताइए, ये मशीन कैसे वर्क करती है। मतलब काफ़ी सारे और क्वेश्चन आते रहते हैं, तो और किसी ने मुझसे भी पूछा कि आप इस मशीन के बारे में एक बार पूरी डिटेल फिर से दीजिए, तो इसलिए मैं इसका एक बार वीडियो फिर से बना रही हूँ और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं इसमें आपको पूरी डिटेल दे सकूँ। और जिन्होंने वीडियो देखा वो स्किप कर सकते हैं, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, जैसे ये हायर कंपनी का है, ये 6.5 किलो की, 6.5 kg की है। और जैसे इसमें मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ, इसमें नॉर्मल, डीप क्लीन, डेलिकेटर, क्विक, इस तरह के ऑप्शन है। नॉर्मल में आप कोई भी कपड़े डालिए, डीप क्लीन है जैसे ज़्यादा गंदे हैं कपड़े तो आप डालते जाइए, डाल दीजिए। और डेलिकेटेड है कि आप वुलन वगैरह के लिए डाल सकते हैं। क्विक वॉश, अगर आपको कपड़ों को जल्दी से वॉश करने हैं तो आप क्विक वॉश का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर क्विक वॉश ही करती हूँ कि जैसे कि कपड़े कम गंदे हैं और आप सोचते इजली जल्दी से वॉश हो जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जैसे विंटर सीजन में आप छोटे बच्चों के कपड़े निकालते हैं तो आप सोचते हैं कि एक बार इसे वॉश कर लें फिर अपन, तो आप उसके लिए क्विक वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप क्विक ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़े थोड़े कपड़े ही डालिए, और पहले आप हो सके तो बकेट में कपड़ों को सोक कर दीजिए, उसके बाद थोड़े थोड़े कपड़े डालते जाइए और ये इजली वॉश कर देगी। और नॉर्मल में तो आप कोई भी मेन तो ज़्यादातर आप लोग इसमें नॉर्मल वाला ही बटन चूज़ करते हैं। उसमें आप एक बार में आप इसमें 14 से 15 कपड़े तक डाल सकते हैं। कपड़े बहुत हैवी हैं तो आप 12 कर दीजिए, 12 से 13 कर दीजिए। तो जिस तरह से आपके कपड़ों का वेट है उसी तरह से इसमें कपड़े डालिए। तो एक बार में मैं इसमें 13 से 14 कपड़े धो लेती हूँ आराम से। और देखिए, जैसे इसमें जो वॉश है, रिंस है, स्पिन है, और ये मेरे में एक ऑप्शन है टब ड्राई। इसका मैंने ज़्यादा यूज़ किया हुआ नहीं है। इसका यूज़ ये है कि आप जैसे मग में थोड़ा सा वेनेगर और पानी मिक्स कर इसमें डाल दीजिए, और ये टब ड्राई का ऑप्शन आप इसमें प्रेस कर दीजिए, तो ये मशीन पूरी क्लीन हो जाती है। अगर वॉशिंग मशीन लगातार यूज़ कभी कभी वॉशिंग मशीन में स्मेल आती है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत कम ही यूज़ किया है क्योंकि कपड़े वॉश होने में मशीन भी क्लीन हो जाती है, बट आप 3 महीने या 5 महीने में एक बार ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। दूसरी मशीनों में ये टब क्लीन के नाम से भी होती है। तो और ये देखिए, और जैसे कि मैंने आपको इस पहले वीडियो में बताया था कि ये 10 ईयर की वारंटी ऑन द मोटर, मोटर पे 10 साल की वारंटी है। और जैसे कि इसमें एक पाइप होता है, पाइप है जैसे इस साइड, ये देखिए जैसे मैंने नीचे डाला, ये ड्रेन के लिए होता है, पानी से ड्रेन होता है। और इसमें आप इसे एक जगह फिक्स भी कर सकते हैं, और इसे आप जैसे आपको इधर थोड़ा सा कहीं इधर जिसको खिसकाना है तो आप ये तभी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप मशीन कोई भी आप ले, सेमी ले, ये लें, तो हो सके उसे एक जगह ही फिक्स कर दें तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। क्योंकि आप अगर डेली उसे इधर उधर मूव कराओगे तो मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। और जैसे कि मेरी मशीन में थोड़े व्हील, मेरी मशीन क्या ज़्यादातर मशीन में व्हील लगे ही होते हैं तो वो खिसक जाते हैं, तो आपको डेली डेली एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो हो सके तो आप इसे एक जगह एडजस्ट ही कर दीजिए और तब यूज़ करिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप इसे डेली भी मूव कर सकते हैं इधर उधर। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसको एक जगह फिक्स कर लिया है, तो यहाँ पे मेरी फिक्स है मशीन, तो मैं इसे इधर उधर नहीं खिसकाती हूँ। तो ये देखिए, इसमें ये लॉक लॉक है, मतलब यहाँ से आप इसे इजिली किसी भी टैब से एडजस्ट कर सकते हो, और चाहे तो आप एक जगह रख लो, चाहे तो आप इसे मूव कराना तो आप वो भी करा सकते हो। तो और जैसे कि अब देखिए, जैसे मैं आपको अंदर से, एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि ये वॉशिंग मशीन की जो ये बॉडी है प्लास्टिक है कि मेटल है, तो ये प्लास्टिक ही होती है, बट ये अच्छा प्लास्टिक होता है, और ऐसे फाइबर तो नहीं कहेंगे, प्लास्टिक, और ये अच्छी जिस तरह में फिल्टर वगैरह आते हैं उस टाइप की प्लास्टिक होती है, तो ये मजबूत होती है काफ़ी। तो ये पूरा तो प्लास्टिक ही होता है, बस ये अंदर का जो ये साइड है ये मेटल होता है, और इसका जो एकदम इनर साइड है ये भी प्लास्टिक की बॉडी होती है। देखिए साइड साइड में इसमें जो फिल्टर वगैरह लगे, ये बहुत ही ईजिली फिल्टर निकल आता है, ये देखिए। तो जब भी आप कपड़े क्लीन करिए तो आप ये फिल्टर को ज़रूर साफ़ कर लीजिए, क्योंकि फिल्टर में बहुत सारा वो जो कपड़ों के रेशे या लीड होता है इसमें आके फंस जाते हैं। तो अगर आप एक बार नहीं क्लीन, अगर 2 से 3 बार आपने कपड़ों को वॉश करिए, इसे ज़रूर क्लीन करिए, और इसे आप क्लीन करिए इस तरह निकाल के इसमें, और इसमें गंदगी फंसी थी तो इसलिए आप इसे निकाल के पहले सारी इसकी गंदगी नहीं, फिर से आप साफ़ पानी से धुल दीजिए, तो ये सही रहता है। क्योंकि इसको अगर नहीं तो ये भी बहुत ज़्यादा अगर फिल भर जाएगा तो फिर ये इसी गंदगी कपड़ों में आ जाती है, जिससे आप
अगर आप हमेशा जैसे नहीं कपड़े नहीं करते, तो अगर 2 या 3 बार आपने इसमें कपड़े वॉश कर लिए तो आप इसे ज़रूर क्लीन करिए। जैसे मैंने में दोनों साइड फिल्टर दिया हुआ है, तो मैं जब भी कपड़े वॉश करती हूँ तो मैं इसे क्लीन करती हूँ। तो बस, और जैसे कि है, आप इसे आपको ऑन कर, ये जैसे पावर बटन है ये देखिए, यहाँ से मैं प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम आपको सेट करने हैं आप कर लीजिए। ये देखिए सबका टाइमिंग भी आपको ये देता है, ये देखिए क्विक में सबसे कम टाइम लेता है 10 मिनट का। और आप इसे सिंपल भी, जैसे आपने कपड़े अगर सिर्फ आपको ड्रायर करने या सिंपल आपको आपने वॉश कर लिया, आपको रिंस करने से, तो आप वो भी कर सकते हो। बस ये आप कपड़े डालिए उसे आपसे, और इसे आप इस तरह ऑप्शन पे सेट करते जाइए, जो भी ऑप्शन चाहिए आपको बोलेगी। इसके बाद करने के बाद जैसे स्पिन है, तो आप यहाँ प्रोग्राम सेट कर लिए, इसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए और बस आपकी मशीन वर्क करने लगेगी। तो बस आई थिंक मैंने सारा कुछ सोच आपको बता ही दिया। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से ऑलमोस्ट आपको अपनी मशीन के बारे में बता दिया है। और जैसे कि अब ये भी है कि बहुत गंदे हाथ से धुलने और मशीन से धुलने में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, पता ही आपको। बहुत गंदे कपड़े हैं आप तो आपको कोई भी आप ऑप्शन चूज करिए, लेकिन आपको थोड़ा सा कपड़ों को हाथ लगाना होगा, जैसे कॉलर होते हैं या स्लीव्स पे बच्चों के कहें या कॉलर वगैरह होती, देखते हैं आप गंदे हो, तो उसे आप हल्का सा सोप से ब्रश करने के बाद ही इसमें डालिए, क्योंकि आप डायरेक्ट डालोगे, आप कोई भी ऑप्शन इसमें चूज करोगे तो वो उतना क्लीन नहीं करेगा जितना कि अगर आप उसे हल्का सा, जैसे कॉलर पे आपने ब्रश कर दिया या व्हाइट शर्ट वगैरह है तो आप उसमें हल्का सा कॉलर पे सोप लगा कर अपने ब्रश करके तब आप इसमें अगर डालोगे तो मशीन अच्छे से क्लीन कर देगी, बट आप डायरेक्ट अगर डाल दोगे तो वो उतना क्लीन नहीं करेगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं आपको सारा डिटेल बता सकूं, और मैंने आई थिंक सब कुछ इसके बारे में आपको बता दिया है। और ये मैंने जैसे कि बताया कि ये ऑनलाइन परचेज की थी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तब तक ओके बाय।